तो हेलो गाइस, तो आज हम आने वाले हैं एक इमरजेंसी लाइट। मैं सोचा कि क्यों ना चलो आपको भी दिखा देता है, क्योंकि ये मैं पर्सनल यूज के लिए बना रहा हूँ और ये यूज में भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर माइक्रो यूएसबी सॉकेट दिया हुआ है जिससे कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं, और एक पावर ऑन ऑफ स्विच है जिससे कि आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीवीसी का एक बॉक्स बना लिया है। तो मैंने आज तक मेरे चैनल में बहुत सारे टाइप्स का पीवीसी का बॉक्स बनाया है, तो मैंने सोचा कि इस बार बना ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कैसे क्या करना होगा। तो मैं डायमेंशन थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर 9.5 × 4.5 सेंटीमीटर का दो पीस कट किया है, ये एक, और यहाँ पर लगा हुआ है दो, ये दो पीस मैंने कट किया है। और यहाँ पर एक होल किया है क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्विच लगाऊंगा। और यहाँ पर 4.5 × 4.5 का दो पीस लगाया है लेफ्ट राइट में। और यहाँ पर मैंने 0.5 mm का गैप छोड़कर इसके अंदर एक पीस लगा दिया है जिसका साइज है 4.3 × 9.5 सेंटीमीटर। और ये सेम साइज का और एक पीस मैंने पीछे की साइड में लगा दिया है, और यहाँ पर चार होल कर दिया है क्योंकि यहाँ पर चार स्क्रू लगाना होगा। और यहाँ पर एक मैंने कट लगाया है माइक्रो यूएसबी के लिए, तो स्क्रू के लिए मैं ये वाला स्क्रू का यूज कर रहा हूँ। तो ये M2 का स्क्रू है जो कि 8 mm का है, तो ये स्क्रू हम यूज करने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैंने इसके लिए 2 mm का होल किया है ताकि ये जो स्क्रू है ये घुस जाए। और इसका जो नट है इसके लिए मैंने यहाँ पर होल किया है, और ये यहाँ पर घुसेगा नहीं। इसे कैसे घुसाना है मैं अभी दिखा देता हूँ। तो पहले तो हमें एक स्क्रू को अच्छे से यहाँ पर रख लेना है। रखने के बाद हमें लेना है सोल्डरिंग आयरन। और सोल्डरिंग आयरन के मदद से धीरे धीरे इसे अंदर डाल देना है। तो अभी हमें इस पर लगाना है एलईडी स्ट्रिप, और मैं ये वाला एलईडी स्ट्रिप का यूज करने वाला हूँ। ये 4 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप है, आप 3.7 वोल्ट का कोई भी बैटरी के मदद से इसे बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। और मैंने इसे 5 का पेयर में कट कर लिया है, तो यहाँ पर टोटल 10 एलईडी है। और इसे हमें एकदम मिडिल में यहाँ पर लगाना होगा। तो इसे यहाँ पर लगाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज करूंगा फिलहाल, और बाद में थोड़ा सा हॉट ग्लू लगा दूंगा तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हमें इसका जो बैक पैनल है यहाँ पर जो हम चार्जिंग सॉकेट के लिए कट किया है, तो यहाँ पर हमें चार्जिंग मॉड्यूल लगाना होगा। और यहाँ पर हम TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं, जो कि लिथियम बैटरी के लिए बहुत ही अच्छा एक मॉड्यूल है। बस हमें यहाँ पर इसे मैच करके यहाँ पर थोड़ा सा सुपर ग्लू का यूज़ करना होगा। और उसके बाद मैंने पीवीसी का और एक पीस कट कर लिया है, और इसे भी इसके बैक में लगा दूंगा। और एक पीस ले लिया है जो कि 90 डिग्री शेप में है, और ये भी मैंने दो को जॉइंट करके कट किया है। और इसे भी सेम तरीके से इसके पीछे लगा देंगे ताकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाए। तो ये बहुत ही अच्छे से लग चुका है, तो इसे साइड में रख देते हैं और इस पर आते हैं। और यहाँ पर हमने एक होल किया था, यहाँ पर हमें लगाना होगा स्विच। तो मैं ये वाला स्विच का यूज़ करूँगा, ये बहुत ही अच्छा एक स्विच है, और ये पीछे की तरफ से यहाँ पर लग जाएगा। और बात ये है कि ये वाला स्विच का जो प्लास्टिक है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पर अगर आप सुपर ग्लू लगाएंगे तो लग जाएगा, बट कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली फिर से खुल जाएगा। ये थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक है, और यहाँ पर अगर हॉट ग्लू लगाऊँ तो थोड़ा सा काम करता है। बट मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छा एक आइडिया निकाला है। मैं यहाँ पर स्विच को यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद इस टाइप का जो आइसक्रीम स्टिक है इसे मैंने कट करके छोटा कर लिया है, और ये मैंने एकदम इस साइज का कट किया है। तो यहाँ पर मैं इसे हॉट ग्लू से चिपका दूंगा, तो आप जितना भी इसे प्रेस करेंगे तो ये निकलेगा नहीं यहाँ से। यहाँ पर ये दोनों तो बहुत ही अच्छे से लग चुका है, पर जो हम बैटरी लगाएंगे तो ये बैटरी हम लगाएंगे 18650 बैटरी। तो इसे लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसे बिठाना होगा। तो मैंने इसके लिए एक आइडिया निकाला है कि तो ये मैंने दो वायर का टुकड़ा लिया है, और इसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसके अंदर ऐसे सुपर ग्लू की मदद से ऐसे लगा दूंगा। लगाने के बाद बैटरी इसके अंदर जाएगा। बैटरी इसके अंदर जाने के बाद मैं सुपर ग्लू की मदद से ये जो वायर है ये सामने की तरफ ऐसे लगा दूंगा, तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अटक जाएगा। तो यहाँ पर एक दो ऐसा यूज़ करूँगा मैं, और उसके बाद जितना भी गैप्स है वहाँ पर हॉट ग्लू देने से
ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही अच्छे से अब लग चुका है, तो अब मैं थोड़ा कनेक्शन आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो एलईडी स्ट्रिप है, इस एलईडी स्ट्रिप का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव पॉजिटिव में लगा दिया है और इसमें से मैंने नेगेटिव लिया है और इसमें से पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव वाला वायर है, ये पॉजिटिव वाला वायर मैंने स्विच के एक लेग के साथ कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और एक लेग में मैंने एक और वायर लगा लिया है रेड वाला। तो ये दो हमारा हो गया है एलईडी का वायर। तो अब हमें इसमें बैटरी को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर मैं 18650 बैटरी का यूज कर रहा हूँ जो कि 1200 mAh का है और ये अच्छा खासा बैकअप दे देगा। तो पहले हमें हॉट ग्लू की मदद से बैटरी को यहाँ पर लगा लेना होगा। तो ये बैटरी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लग चुका है और बैटरी के दोनों टर्मिनल में मैंने वायर लगा लिया है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये हो गया बैटरी का वायर और ये हमारा हो गया एलईडी का वायर। तो यहाँ पर तो हमने चार्जिंग मॉड्यूल पहले लगा ही लिया है। तो चार्जिंग मॉड्यूल में चार पॉइंट है, B-B+, जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव लग जाएगा मिडिल में, और लिखा हुआ है आउट माइनस और आउट प्लस, जहाँ पर हमारा एलईडी का माइनस और प्लस लग जाएगा। तो ये हमारा लगभग रेडी हो ही चुका है यूज़ करने के लिए। बस हमें इसका जो लास्ट फिनिशिंग है वो करना होगा। और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा और पीस लगा दिया है, एक फ्रेम टाइप का, और उसके अंदर मैंने एक हार्ड टाइप का प्लास्टिक कट करके यहाँ पर लगा दिया है सुपर ग्लू की मदद से। कुछ ऐसे टाइप का मैंने बनाया है, ये एक फ्रेम कट किया है। कट करने के बाद इसके पीछे एक मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दिया है। आप कोई भी बॉटल या कोई भी कंटेनर जो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है वो लेकर इसके साइज में आप कट करके यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू दे दिया है। उसके पहले मैंने इसमें सुपर ग्लू भी यूज़ किया है और उसके बाद मैंने इसमें हॉट ग्लू यूज़ किया है और ये अब मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे फिनिशिंग करके इसमें स्प्रे पेंट कर दूंगा ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स इसके मिडिल में मैंने विनाइल शीट लगा लिया है। ये शीट मैंने बहुत पहले खरीदा था और बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये लग जाता है। और रिसेंटली मैंने एक पावर बैंक बनाया था, उस पर भी मैंने ये विनाइल शीट लगाया है, ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर कर दिया है और ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और सेम डिजाइन हम इसमें भी करेंगे। तो मैंने 4 cm का एक विनाइल शीट कट कर लिया है और उसे मिडिल की तरफ से चारों ओर मैंने लगा दिया है। और बाकी जो ये दो पार्ट है खाली जो कि ग्रे कलर का है, वहाँ पर मैं ब्लैक पेंट करने वाला हूँ। तो मेरे पास ये मैट ब्लैक का एक स्प्रे है जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर हमें कुछ मास्किंग करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 स्क्रू था वो मैंने खोल दिया है क्योंकि यहाँ पर भी कलर लग जाएगा। और यहाँ पर भी हमें ये जो चार्जिंग पोर्ट है इसे भी बंद करना होगा। और ये जो 4 cm का हमने विनाइल शीट लगाया है इसे भी पूरी तरीके से क्लोज करना होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है, एकदम यूज करने के लिए रेडी है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। और दिखने में कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में बताइएगा। तो ये जो आप ब्राइटनेस देख पा रहे हैं ये इसका ही ब्राइटनेस है। कैमरा में शायद आपको उतना समझ नहीं आएगा जितना रियलिटी में है। तो ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप पावर फेलियर में घर में आप कोई भी काम के लिए ये यूज करते हैं तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लाइट कैसा लगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर एलईडी पैनल लगा हुआ है तो ये पावरफुल एलईडी है जो कि थोड़ा सा हीट होता है। तो हीट होने के बाद क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इस साइड में आपको थोड़ा सा हीटिंग महसूस हो सकता है जब आप इसे लॉन्ग टाइम में यूज़ करेंगे। वो कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो एलईडी का ही हीटिंग है जो नॉर्मली सभी एलईडी में होता है। आप कोई भी घर में देख लो, जो भी एलईडी आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक में वो हीटिंग होता है, तो वो नॉर्मल बात है। तो इस पर भी वो होगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया है कि कैसे इसे बनाते हैं और कैसे इसे यूज कर सकते हैं और कैसा इसका ब्राइटनेस है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये गैजेट कैसा लगा, गैजेट मतलब ये इमरजेंसी लाइट कैसा लगा। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।